सादर नमस्कार सम्मानित मित्रों, मैं जगदीश सोनी आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज बात करेंगे मंगल ग्रह की। 27 दिसंबर 2023 को मंगल ने धनु राशि में प्रवेश किया है। धनु राशि में मंगल 27 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो धनु राशि का मंगल किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए बुरा रहेगा, इसी पर बात करना चाहूंगा। चार राशियां वे हैं जिन्हें धनु राशि का मंगल काफी शुभ फल देकर जाएगा, और तीन राशियां वे हैं जिन्हें धनु राशि का मंगल अशुभ फल देकर जाएगा। तो धनु राशि में पहले से सूर्य मौजूद है, सूर्य और मंगल का मिलन होगा। वहीं धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, मंगल ग्रह भी अग्नि का ग्रह है, सूर्य भी अग्नि का ग्रह है, तो तीनों का मिलन हो रहा है। मंगल जब धनु राशि में आता है तो जबरदस्त ऊर्जा पैदा करने वाला होता है, जबरदस्त एनर्जी पैदा करता है। 27 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक मंगल सेजिटेरियस में रहेगा, यानी कि धनु राशि में रहेगा। मेष राशि के बृहस्पति की नवम दृष्टि मंगल पर रहेगी, यानी कि मंगल का अशुभ फल, ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो तीन राशियां कौन सी है जिनके लिए मंगल अशुभ रहेगा, वे तीन राशियां हैं वृष, मिथुन और मकर। तो पहले इन तीन राशियों पर चर्चा करना चाहूंगा कि इनके लिए अशुभ क्यों रहेगा। तो वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के आठवें घर में अष्टम भाव में मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे। धनु राशि का मंगल आठवें घर में रहेगा, तो वृषभ राशि के लिए, दूसरी राशि के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में अशांति रहेगी, परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। अगर आपके घर परिवार में पहले से कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उस झगड़े के बढ़ने की आशंका रहेगी, इसलिए अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अगली राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि के लिए सप्तम घर में सूर्य मंगल रहेंगे। सप्तम घर का सूर्य मंगल भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में अशांति रहेगी, आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा या विवाद हो सकता है, अशांति रह सकती है। रोजगार पर भी कुछ बुरा इफेक्ट हो सकता है। और उससे अगली राशि मकर है। मकर राशि के बारहवें घर में मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे। मंगल का भ्रमण बारहवें घर में रहेगा, यहाँ भी वैवाहिक जीवन के लिए, मकर वालों के वैवाहिक जीवन में अशांति रह सकती है। किसी विवाद के कारण भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना चाहिए। तो सूर्य मंगल का मिलन आपके लिए भी अच्छा नहीं है। करते हैं उन चार राशियों की जिनके लिए धनु राशि का मंगल काफी अच्छा रहेगा। तो वे चार राशियां हैं कर्क, तुला, कुंभ और मीन। तो कर्क राशि के छठे घर में मंगल का भ्रमण रहेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इसमें आपको सफलता मिलने के प्रबल योग है, प्रबल संभावना है। अगर आपने किसी का पैसा उधार देना है तो उसके उतरने की प्रबल संभावना रहेगी। अगली राशि है तुला। इसके तीसरे घर में मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे। मंगल का भ्रमण रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा, भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा। काफी दिनों से अटका हुआ काम आपका बन रहा है, बन सकता है, मेहनत का फल निश्चित रूप से मिल रहा है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल आपको जरूर मिलेगा। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि के ग्यारहवें घर में सूर्य मंगल एक साथ रहेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम आपकी बढ़ जाएगी, रुका पैसा आपका मिल सकता है। अगर कहीं से आपको कोई मदद की जरूरत थी तो वह हेल्प या मदद भी आपको मिल सकती है। और अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के दसम घर में सूर्य मंगल एक साथ रहेंगे, सामाजिक प्रभाव आपका बढ़ जाएगा, कोई बड़ा मान सम्मान मिल सकता है, राजनीतिक लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है।
तो ये था मित्रों मंगल का धनु राशि में प्रवेश, सात राशियों के लिए अच्छा और बुरा इफेक्ट, और बाकी बची पांच राशियों के लिए सूर्य मंगल एक साथ होने से उनको सम प्रभाव रहेगा, ना ज्यादा बुरा रहेगा और ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर फिर भी मंगल के कारण अगर धनु राशि का मंगल परेशान करे तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सायकाल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं उनके घर में कभी भी अशांति का वातावरण नहीं रहता।